दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 इलाके में एक लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। घटना बुधवार देर रात की है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें रात 10 बजे इस बारे में सूचना मिली थी कि एक लड़की द्वारका सेक्टर 23 इलाके के हरि विहार में एक फ्लैट की खिड़की से कूद गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने लड़की को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। सुबह जब पुलिस ने लड़की से बयान लिया तो उसने बताया कि उसे दो लड़कों ने गुड़गांव बस अड्डे से उठा लिया। इसके बाद उसको नशीला पदार्थ पिलाकर दोनों लड़कों ने दिल्ली में फ्लैट में उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि लड़की पहले से हमें जानती थी और अपनी मर्जी से फ्लैट पर आई थी। पुलिस ने लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेजा है। मेडिकल जांच के बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। दिल्ली में रेप के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस साल 15 दिसंबर तक दिल्ली में 2000 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं।